वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का ब्लॉग, आज हम हल्द्वानी के लिए रवाना हो चुके हैं। आज का ब्लॉग हल्द्वानी में बनेगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं हल्द्वानी का रास्ता और हल्द्वानी का ब्लॉग। गाइस दो तीन दिन से काफ़ी बूंदाबांदी हो रही है, इस टाइम काफ़ी बरसात हो रही है। बाजपुर से आगे निकल चुके हैं हम और बरसात का मौसम है और ख़तरा इस बात का भी है जंगल में कहीं रास्ते में पानी ना हो, क्योंकि बरसात के मौसम में एकदम पानी आ जाता है, बढ़ जाता है। और अपने फ्रेंड के साथ ब्लॉग बनाने के लिए घर से निकले हैं। आज बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। दोस्तों इस टाइम हम काला डूंगी की पुल पे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पानी आ चुका है और पानी कितना तेज़ धार है। और आप दोनों तरफ देख सकते हो, दूसरी तरफ भी काफ़ी पानी है। और काफ़ी तेज़ पानी चल रहा है और पहाड़ों से आ रहा है, पहाड़ों पे काफ़ी बारिश हो रही है। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं। इस टाइम हम हल्द्वानी रोड पे, नैनीताल रोड पे म्यूजियम में आ चुके हैं। आपको म्यूजियम दिखाते हैं और कैसा है यहाँ का म्यूजियम, और अभी आपको लेके चलते हैं म्यूजियम में। दोस्तों ये म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं और आज तक हमने भी नहीं देखा म्यूजियम, और यहाँ किसी भी चीज़ को छूना मना है, हाथ नहीं लगाना। बाकी आप अंदर जाके देख सकते हैं क्या है सुविधा क्या नहीं। प्लीज़ शूज़ एयर, मतलब जूते बाहर उतार के जाएं। ये एक पुराने ज़माने की मूर्ति है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का आप देख सकते हो तस्वीर में। जिनके पिता काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं हम म्यूजियम में। ये मैगी हैं जिम की बहन। और एक तस्वीर, कितनी प्यारी तस्वीर है, आप यहाँ भी दे सकते हो। रेलवे के कार्यकाल, पुराने ज़माने की ट्रेन भी दे सकते हो। और ये कोयला डालते हुए लोग, और यहाँ आगे आप देख सकते हो और ये कारवर पार्क के शिकारी जो फॉरेस्ट में थे। बहुत पुरानी तस्वीर है ये। यहाँ भी आप देख सकते हो पुरानी तस्वीरें। हर तस्वीर के नीचे उनका रहस्य लिखा हुआ है। जो देखो जिम और मैगी ने 1947 में भारत छोड़ा। कुछ तस्वीरें इधर हैं आप देख सकते हो। एक यह तस्वीर है, एक दयालु व्यक्ति, इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। और एक ये पुरानी तस्वीर जिम का, प्रगति प्रेम। और आपको और अंदर लेके चलते हैं। टाइगर रिजर्व, ये भी काफ़ी पुरानी तस्वीर बनाई हुई है पेंटिंग से। उसे और आपको अंदर लेके चलते हैं म्यूजियम में। ये पुराने औजार वस्तु जो कैप
आप पुराने ज़माने की फॉरेस्ट की कैप देख सकते हो, और उनकी लाठी, ये कुछ औजार दवाइयाँ हैं, और उनकी प्लेटें, और ये शायद चूल्हा बैठने का है, ये तो आप देख सकते हो। ये कुछ पुराना सामान है, ये पुरानी कुर्सियाँ, टेबल, और ये लाइटें, लाइट। आप देख सकते हो ये बांध, और ये ने उठा के लेके जा रहे हैं, और ये बांध की खाल और बाघ, और ये देख सकते हो कैसे चीरफाड़ कर रहे हैं बाघ का, और ये शिकारी बाघ को गुलदार के साथ। एक तस्वीर आप ये देख सकते हो, काफ़ी पुरानी है, बहादुर खां। और एक तस्वीर आप ये देख सकते हो शिकारी के साथ। इसके बाद अंदर आपको दिखाते हैं पुराने ज़माने की मेज, संदूक, और ये पिक्चर भी काफ़ी पुरानी है। पोशाक में कॉर्बेट, और ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये पुरानी कुर्सियाँ जो उस टाइम की हैं, काफ़ी पुरानी हैं बैठने वाली, आप देख सकते हो। और कुछ तस्वीरें ये हैं, दोस्तों आपको म्यूजियम पूरा दिखा चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, थैंक यू दोस्तों। वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, और कल हम नया ब्लॉग के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।